नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के तत्वाधान में सभा का आयोजन कोटा की आकाशवाणी कॉलोनी के दादीक्ष मैरिज गार्डन में किया गया। सभा का आयोजन सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरपी सिंह आईपीएस के मुख्य आतिथ्य में तथा विनय कुमार सिंघल की अध्यक्षता में किया गया। बहुजन इंडिया न्यूज़ की खास बातचीत में रिटायर्ड आईपीएस आरपी सिंह ने कहा कि आईएएस के पैटर्न पर जजों का चयन होना चाहिए ताकि इससे कमजोर वंचित वर्गों को न्याय मिल सके। निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की व्यवस्था की मांग को लेकर कहा, जहां निजीकरण किया है उन संस्थाओं का सरकारीकरण करने की मांग करेंगे। सर, आप एक दिग्गज पुलिस अधिकारी से रिटायर होके आए हैं, तो आपके संगठन के माध्यम से आप किन किन बिंदुओं को लेकर के ये राजस्थान का दौरा करने को निकले हैं? मैं जनजागृति अभियान चला रहा हूँ और काफ़ी वर्ग के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम का मिसयूज रोकने के लिए ये दौरे कर रहा हूँ और कुरीतियों को मिटाने के का आह्वान कर रहा हूँ। ये जो केंद्र की जो सरकार है, ये निजीकरण के माध्यम से ये सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है आपके संगठन का? हमारे संगठन की भी ये मांग है कि निजीकरण न किया जाए और सरकारी नौकरियों में हमें जितना भी प्रतिनिधित्व तो है उसके आधार पर हमें नियुक्ति दी जाए और जो अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी जनरल मेरिट में आते हैं उनको SC ST वैकेंसियों के अधीन नहीं समझकर जनरल सामान्य वैकेंसी के अधीन उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। जिन संस्थानों का निजीकरण कर दिया है उसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या कहना है? यदि हम राजनीतिक इसके तौर पर सशक्त होते हैं तो हम संसद में भी मांग करेंगे कि जिन संस्थाओं का निजीकरण किया गया है उनका पुनः सरकारीकरण किया जाए, जिस तरह की माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में तब्दील किया था। ये जो कॉलिजियम सिस्टम जो देखने को मिल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो SC ST OBC के जो जजेज बहुत कम संख्या में पहुंच पा रहे हैं, जिस तरीके से RJS जिस तरीके से IAS की जैसे परीक्षा होती है उसी तरीके से अगर IJS की परीक्षा हो, तो इसके बारे में आपका क्या संदेश देना है? चाहे वो किसी पद पर भी नियुक्ति हो, पारदर्शिता के लिए कोई ना कोई परीक्षा अवश्य होनी चाहिए ताकि उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल को परखा जा सके। आपके संगठन का अगला कदम क्या है सर? हमारे संगठन का अगला कदम, मैं सभी जिलों को कवर करके एक राज्य स्तर पर एक बैठक बुलाऊँगा और जो भी बिंदु हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग को के उत्थान की तरफ ले जा सकते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं उनके ऊपर चर्चाएं करूँगी। सभा में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने व सामाजिक कुरीतियों का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि श्री आरपी सिंह ने समस्त अनुसूचित जाति समाज की विभिन्न वर्गों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया तथा सभी को आपसी मतभेद भुलाकर समस्याओं के निराकरण के लिए सामूहिक प्रयास करने एवं सरकार को ज्ञापन देने की बात की तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अधीन दर्ज हुए अपराधों में किसी भी दबाव या लालच में नहीं आने तथा इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं करने की सलाह दी गई।